अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुमेरा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मीरब्स डेली रूटीन। आज मैं आप लोगों के लिए कोई रेसिपी नहीं लाई है, एक रेमेडी है और बहुत इफेक्टिव है सर की खुशी के लिए और डैंड्रफ के लिए। आप इसको ट्राई कीजिएगा। मेरे सर में बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही थी तो मैंने ये हेयर पैक बनाया था और इसको मैंने अप्लाई किया था और खुश्की मेरी बिल्कुल ही डिसअपेयर हो चुकी थी। अच्छा जी, इसमें मैंने एक ली थी एग योक, मतलब अंडे की जर्दी ली थी। हाँ जी, जर्दी होती है, जर्दी ली थी। उसको अच्छी तरह मैंने बीट कर लिया था और बीट करने के लिए आप कांटे का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा बीट होता है उससे। और मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब इसमें लिए थे जी दही के, और 2 बड़े चम्मच ही मैंने इसमें मेहंदी के लिए थे। और चौथा जो इंग्रेडिएंट मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ वो है वैसलीन का। आपने 1/4 चम्मच वैसलीन लेनी है और उसको भी इसमें मिक्स करना है। अच्छा, पहले आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आपको लगे कि ये थोड़ी थिक हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा मिक्सचर लग रहा था। अब इसमें जी मैंने थोड़ा पानी मिक्स किया है तो ये इसको आपने कांटे की मदद से ही बीट करना है। जब इसकी कंसिस्टेंसी इस किस्म की हो जाएगी, अब मैं इसमें थोड़ी सी वैसलीन डालूँगी। और वैसलीन ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन वैसलीन बहुत अच्छी होती है खुश्की के लिए और इसका रिज़ल्ट आपको पहली दफ़ा में ही मिलेगा। आप इसको हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे सर्दियाँ हैं, खुश ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है। अच्छा, ये मिक्सचर बनाकर आप तकरीबन 15 से 20 मिनट रख दें, फिर आप इसको अपने स्कैल्प पर अप्लाई करें, मतलब बालों की जड़ों में अप्लाई करें और इसको छोड़ दें कम से कम आपने आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।